इस वीडियो में हम जानेंगे कि विंडो 10 में स्क्रीन पर डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिस पीसी कंट्रोल पैनल आदि के आइकन कैसे लाएं। तो उसके लिए हम करेंगे राइट क्लिक, और राइट क्लिक के बाद जैसे ही हम देख रहे हैं पर्सनलाइज में जाते हैं, और पर्सनलाइज में जाने के बाद इस तरह से खुल के कुछ आ जाता है और ये सारी सेटिंग होम में आती है। नीचे बैकग्राउंड कलर लॉक स्क्रीन और इसमें नीचे होता है थीम्स। यहाँ हम थीम्स को करते हैं सेलेक्ट, और जैसे ही हम थीम्स को सेलेक्ट करते हैं तो इधर राइट साइड में आपको डेस्कटॉप आइकन सेटिंग दिखाई पड़ता है। इस डेस्कटॉप आइकन सेटिंग को आप क्लिक करते हो तो ये पॉपअप खुल के आ जाता है। इसमें कंप्यूटर, यूज़र फाइल्स, नेटवर्क्स, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल्स, ये सारे ऑप्शन होते हैं। इन्हें हम कर देते हैं टिक, और जैसे ही इन्हें चेक कर देते हैं उसके बाद हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद हमें स्क्रीन पर ये सारे दिखाई पड़ने लगते हैं, यानी कि होम स्क्रीन या डेस्कटॉप पर ये आइकन हमें दिखाई देने लगते हैं जो पहले दिखाई नहीं पड़ रहे थे। आप देखोगे ये सारे आइकन यहाँ आ गए हैं, यानी कि दिस पीसी, कंट्रोल पैनल, ये सारे आइकन यहाँ आ चुके हैं। तो यानी कि जब आप विंडो एक्सपी का टूर कर रहे होंगे, टेक अ टूर, तब भी कर सकते हैं। तब नहीं करते तो बाद में भी कभी भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये एक्सपी और जो पहली विंडोज़ हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।